ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। नैष्कर्म्य सिद्धि में द्वितीय अध्याय चल रहा है। फोर्टी फोर नंबर का विचार हो गया। 44 नंबर 44 नंबर का विचार हुआ। अब है 45 नंबर। ये अंतकरण के धर्म जितने भी सब मिथ्या है, सत्य नहीं है, तो मिथ्या वस्तु का संबंध अधिष्ठान के साथ नहीं होता है। जैसे सर्प का संबंध रज्जु के साथ नहीं होता है, मरुमरीचिका में जल का संबंध भूतल के साथ नहीं होता है, इसी प्रकार से ये अंतकरण इत्यादि का संबंध अधिष्ठान आत्मा में नहीं होता है। तो इसलिए उसको स्पष्टीकरण करने के लिए कहते हैं, एतदेव उत्तर श्लोकेन उपपाद्यते। यही बात को ही अधिष्ठान आत्मा असंग है, इसी बात को स्पष्टीकरण करने के लिए ये आगे कहा जा रहा है। कुतो मिथ्या सिद्धत्वम द्वैतस्य। ये अंतकरण आदि, अंतकरण के धर्म आदि सब दृश्य जितने भी है, ये सब तो मिथ्या है। तो क्यों मिथ्या है, कैसे इसको मिथ्या कह रहे हो? वस्तु में जब अर्थक्रियाकारित्व दिखाई दे रहा है तो इसको मिथ्या कैसे कहेंगे? कुतो मिथ्या सिद्धत्वम द्वैतस्य, जो द्वैत वर्ग है, मिथ्या कैसे हुआ? तो 45 नंबर श्लोक में कहा जा रहा है, देखिए, न प्रत्यंग नात्मना सिद्धि रात्मनोन्यस्य वस्तुनः आत्मवत् कल्पितस्तस्मात् अहंकारादिरात्मनि। वो कहते हैं जैसे रस्सी के बिना सर्प की सिद्धि नहीं हो सकती है, है ना? रज्जु की सत्ता ही सर्प में दिखती है, इसलिए सर्प रस्सी से भिन्न नहीं है, सर्प मिथ्या है। इसी प्रकार से आत्मा के बिना ये अंतकरण आदि की सिद्धि नहीं हो सकती है, चाहे सपनों में हो चाहे जागृत में हो। इसलिए ये सब अंतकरण आदि जितने भी है वो सब मिथ्या है। इसलिए आत्मना, ये आत्मनो अन्यस्य वस्तुनो, आत्मा से जो अन्य वस्तु दिखाई दे रही है अंतकरण आदि, ये सब क्या है? आत्मना पृथक, आत्मना पृथक न सिद्धि, ऐसा लगा वहाँ पर, है ना? आत्मा के बिना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, आत्मा से ही सिद्धि हो सकती होती है, आत्मा के बिना उसकी सिद्धि नहीं होती है। इसलिए ना प्रथंग, ऐसा न करना, इसलिए आत्मा से अंतकरण आदि भिन्न नहीं है, अर्थात मिथ्या है, ये बोलते हैं। जैसे देखो आत्मवत, हाँ, तो तस्माद अहंकारादिर आत्मनि कल्पित। आत्मा कल्पित नहीं, आत्मा तो सत्य है। आत्मा कैसा होता है? सत्य होता है। आत्मा की सिद्धि किसी के बिना नहीं, आत्मा तो स्वतः सिद्ध है। ऐसा अंतकरण जितने भी पदार्थ है वो स्वतः सिद्ध नहीं है, है ना? इसलिए अधिष्ठान को बोलते हैं जो है कल्पित सत्ता स्फूर्ति प्रद, है ना? कल्पित सत्ता स्फूर्ति प्रदाह, ये अधिष्ठान होता है। कल्पित पदार्थ को अधिष्ठान ही सत्ता देता है, वही प्रकाशित करता है, है ना? इसलिए अहंकार आदि ही आत्मनि कल्पित, आत्मा में ही कल्पित है, ये तात्पर्य। आत्मा की सिद्धि स्वतः सिद्धि है, वो कल्पित नहीं है, लेकिन अहंकार आदि स्वतः सिद्ध नहीं है, आत्मा से ही सिद्ध होता है।
आत्मा से ही प्रकाशित होता है। टीका थोड़ी सी ले लो। न पृथक सतरूप ज्ञान स्वभावात आत्मनो, आत्मा कैसा होता है वो सतरूप होता है, वो ज्ञान स्वरूप होता है, आत्मा साक्षी रूपी आत्मा है ना, उससे अन्य जो है न पृथक सत्ता प्रतीति संभव। आत्मा से पृथक किसी वस्तु की सत्ता नहीं होती है, किसी वस्तु की प्रतीति भी संभव नहीं है। नापि प्रत्यगात्म रूप अभेदनता सिद्धि, और प्रत्यक्ष स्वरूप जो आत्मा है उसे अभिन्न होकर के उसकी सिद्धि नहीं होती है। आत्मा से तादात्म्य होकर के ही कल्पित वस्तु की सिद्धि होती है। जड़ा जड़ा यो हो व्यर्थ और अभाव अभेद आयोगात इत्यर्थ, ये यहाँ पर दिया है। व्यर्थयो इति नास्ति चंद्रिकायाम, ये व्यर्थ शब्द नहीं है यहाँ पर, ये ठीक है। जड़ और अजड़ में है ना अभेद नहीं हो सकता है, जड़ और अजड़ में अभेद नहीं हो सकता है, जड़ और चेतन में अभेद नहीं हो सकता है, व्यर्थ और अभेद आयोगात। इसलिए व्यर्थ इति नास्ति चंद्रिकायाम, वो ठीक ही है, वो व्यर्थ शब्द नहीं देना चाहिए। ऐसा है। अच्छा आगे तस्मात से, तस्मात अज्ञान विजिभृतम एतत्, इसलिए जो है सब मिथ्या होने से अज्ञान का ही कार्य मानना चाहिए, माया का ही परिणाम मानना चाहिए मिथ्या वस्तु को। तस्मात इसलिए जो है अधिष्ठान से ही ये अंतकरण आदि की सिद्धि होती है ना, अधिष्ठान जो साक्षी है उसी से ही सबकी प्रकाश सबका प्रकाश होता है, इसलिए ये अंतकरण आदि इत्यादि को अज्ञान विजनिवृतम अज्ञान का ही परिणाम मानना चाहिए, माई का मानना चाहिए ये अंतकरण आदि पदार्थ को। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, गौड़पाद भगवान कहते हैं, इसलिए सारा संसार को माई का ही सपना ही है, सपने ही है, सपना की तरह व्यवहार करो जागृत पदार्थ को भी। ये जागृत सपना हो गया, और सपना कैसा होता है, सपना सपना, वो सपना सपना ये जागृत सपना है, वो क्षणिक सपना है, और ये दीर्घ सपना है। दीर्घ सपनम इदम सर्वम दीर्घम वा चित्त विभ्रमम दीर्घम वा मनोराज्यम विद्येनम रघुनंदन, जोग वशिष्ठ में कहते हैं। ठीक है, जागृत पदार्थ कैसा है, ये दीर्घ सपना है, ये दीर्घ सपना है। कल जैसे मकान दिख रहा था आज भी ऐसे ही मकान दिख रहा है, इसलिए मकान में कैसी हो जाती है, सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। ऐसा सपना में भी होता है कि नहीं, जो मकान कल दिख रहा था अभी भी दिख रहा है, सपना की बात कह रहा हूँ। ईश्वर का जागृत में भी ना, तो पिछले साल जैसे मुंबई नगर है अभी भी ऐसे ही मुंबई नगर दिख रहा है। इसी प्रकार शरीर भी ऐसे ही दिख रहा है, कल जैसे शरीर दिख रहा है अभी शरीर ऐसे ही दिख रहा है ना, इसलिए क्या मानना चाहिए, सत्य मानना चाहिए, नहीं मिथ्या है ये। चलो भाई, तस्मात अज्ञान विजृंभता में एतत्, ये सारा संसार जो जगत है दृश्य, ये अज्ञान का ही विजृंभण है, मतलब अज्ञान का ही कार्य है, माई का पदार्थ है, ये फलित अर्थ है। श्लोक है 46 नंबर, दृश्य शब्दादय क्लिप्ता द्रष्टृच ब्रह्म निर्गुणम अहम तदुभयम बिभ्रत भ्रांति मात्मनि यच्छति। देखो भगवान, वो कहते हैं कि शब्दादयः दृश्याः क्लुप्ता, शब्दादि विषय जितने भी है दृश्य है, ये सब कैसे होते हैं, दृश्याः
दृश्य क्यों हो गया चिद भाष्य होने से? स्वतः सिद्ध स्वतः प्रकाश नहीं है, ये पर प्रकाश्य, जो जो पर प्रकाश्य होगा उसको कहते हैं दृश्य, उसको कहते हैं दृश्य। घटपट आदि भी दृश्य है, बुद्धि भी दृश्य है, सब दृश्य ही है, दोनों में से कोई भी दृक् नहीं है। घटपट आदि भी है, बुद्धि भी है, बुद्धि में चिदाभास भी दृश्य है, ये सब ले लो। शब्दादय दृश्याकृतः, ये तो निश्चित हो गया ना, निश्चित हो गया। अब ब्रह्म दृश्य नहीं है, क्यों? बोले दृष्टि, वो तो दृष्टा है नारायण, वो तो दृष्टा है ना। और बोलते हैं उसमें गुण है कि नहीं भाई, ब्रह्म में गुण है कि नहीं? ब्रह्म में कोई गुण नहीं होता है। बोले ब्रह्म निर्गुणम, ब्रह्म तो निर्गुण है, उसमें स्वगत भेद नहीं होता है। ब्रह्म में यदि गुण मानेंगे तब तो फिर स्वगत भेद हो जाएगा। सदैव सम्या इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, ये कहा गया, ये एक हमारा द्वितीय ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म को हैं क्या मानना चाहिए, निर्गुण ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्मा निर्गुणम ऐसा कह दिया। अच्छा, उसके बाद अहम तदुभयम बिभ्रत भ्रांति मात्मनि यच्छति। देखो भाई, कहते हैं कि जो है अहम तद उभयम बिभ्रत भ्रांतिम आत्मनि यच्छति। ये जो अहंकार है ना, अहंकार अहंकार अंतकरण का धर्म जो अहंकार है, अहम जो बोलते हैं ना, यही अहंकार क्या करता है, दोनों को ग्रहण कर लेता है। आत्मा के प्रतिबिंब को भी ग्रहण कर लेता है, और जो है अंतकरण का जो धर्म जितने भी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, उसको भी ग्रहण कर लेता है। ये तद उभयम है ना, हाँ, दृश्य का भी प्रतिफलन हुआ, दृक् का भी प्रतिफलन हुआ, दोनों का हो जाता है। और शब्द आदि विषय भी वृत्ति के रूप से आ गए अंतकरण में, है कि नहीं? और आत्मा का भी प्रतिबिंब हुआ, दोनों दोनों का अंतकरण में चिदाभास भी है, और अंतकरण में कौन कर्तृत्व भोक्तृत्व भी है, दोनों का अधिकरण एक हो गया ना। अंतकरण में सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व भी है, और अंतकरण में चिदाभास भी है, दोनों हो गए ना। इसलिए अहम तद उभयम विभ्रजन को ग्रहण कर लेता है, इसलिए आत्मनि भ्रांति यच्छति। इसलिए आत्मा में भ्रांति हो गई, मैं सुखी हो, मैं दुखी हो, मैं कर्ता हो, मैं भोक्ता हो, हैं ये सब जितने भी भ्रांति हो रही है, इसका मूल कौन हो गया, अहंकार। बस अहंकार को आप दृश्य समझ लिया, अहंकार ही कल्पित है, दृश्य है, तब तो फिर अध्यास नहीं हो सकता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये अध्यास नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी जो है टीका ले लो भाई। तो दृश्यत्वेन द्रष्टृत्वेन सत्यत्वेन आवृतत्वेन च अत्यंत विविक्तयोर। देखो, ये रूपादि हो गए दृश्य, आत्मा हो गया दृष्टा, आत्मा है सत्य, लेकिन स्वरूप का अज्ञान से ये आत्मा कैसा हो जाता, आवृत हो जाता है। ये आवरण शक्ति है ना, हाँ, आवरण शक्ति अविद्या से स्वरूप का भान नहीं होता है, मैं तो असंग हूँ, है कि नहीं? हाँ, स्वरूप वास्तविक आवरण तो नहीं हो सकता है स्वरूप का, लेकिन विशेष अंश का भान नहीं होता है, लेकिन सामान्य का भान तो होता है। जैसे मंद अंधकार में, हाँ, ये रस्सी है, ये भान तो नहीं होता है, लेकिन कुछ है पना का भान तो होता है। है कि नहीं? है पना का भान होता है, लेकिन रज्जुत्व का भान नहीं होता है। इसी प्रकार समझ कर रखो, आवृतत्वेन च अत्यंत विविक्तयो हो है, तो ये दूसरे, ये दोनों अलग अलग है, आत्मा अलग है, अंतकरण अलग है, आत्मान आत्मनो हो, फिर भी
वस्तुतः शंकर या अभाव या फिर दोनों का संबंध तो वास्तविक नहीं होता है। आत्मा कभी अनात्मा नहीं हो सकता है, अनात्मा कभी आत्मा नहीं हो सकता है। यह दोनों में शंकर तो नहीं हो सकता वास्तविक वस्तुतः परमार्थतः। फिर भी अहंकार उपाधौ द्वयोः प्रतिम्बतत्व, ये देखो अहंकार रूपी उपाधि में दोनों का प्रतिम्ब होता है। दोनों का प्रतिम्ब मतलब क्या है, आत्मा का भी प्रतिफलन हुआ और उस अंतकरण में क्या है, सुख दुख आदि इत्यादि हो गए, है कि नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी हो गए। जैसे कह दिया दर्पण तले दर्पण रख दिया है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंबितयो हो लोहित्य मुखयो हो, देखो लोहित्य भी दिखता है, मुख का प्रतिबिंब भी दिखता है। और किसी का प्रकाश छोड़ दीजिए लाल, आपका चेहरा भी लाल दिखेगा और क्या है कि नहीं, दर्पण में किसी का प्रकाश है और आपका मुख का ही प्रतिबिंब हो गया। ये लोहित्व मुखयो हो लोहितो इति, किसी भी का चेहरा कैसा दिखता है, लाल दिखता है और क्या, लाल दिखता है इसी प्रकार से इसलिए अंतकरण में सुख दुख हुआ और उसी अंतकरण में क्या, आत्मा का प्रतिबिंब भी हो गया। इसलिए मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसी मालूम पड़ता है। परस्पर संबंध अध्यास, परस्पर संबंध हो जाता है, अध्यास होता है। इसलिए भ्रांतिया एवं भ्रांति से ही कर्तृत्व आदि संबंध प्रतिभासे प्रतिभास इत्यर्थः। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व इसको कहते हैं भाई धर्माध्यास और क्या है ना, अंतकरण के साथ धर्मी अध्यास हो गया आत्मा का, तो अंतकरण का धर्म जो कर्तृत्व भोक्तृत्व वो भी वास्ता है आत्मा में ये भ्रांति से ये वास्तविक कर्ता भोक्ता नहीं आत्मा है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अंतकरण का धर्म है, आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। आगे बड़ा सुंदर दृष्टांत भी देंगे। थोड़ी 47 नंबर श्लोक में, न केवलम आत्मनात्मा संबंध एव अहंकार निबंधना, ये आत्मा और अनात्मा में जो संबंध हो रहा है, तादात्म संबंध हो रहा है, इसका निबंधन इसका कारण केवल अहंकार न समझो। अहंकार रूपी उपाधि केवल नहीं कारण, अपितु किंतु प्रतिदेहम आत्मनो भेदोपि तन निबंधना। ये प्रतिदेह शरीर अलग अलग है, अंतकरण अलग अलग है, वो जो भेद है उस भेद के कारण भी क्या हो रहा है, हैं आत्मा अनात्मा में संबंध हो जा रहा है। ये दृष्टांत दिया जाएगा जल का दृष्टांत देंगे। इले ततेव यम अभिन्नस्य आत्मनो भेद बुद्धि, आत्मा तो अभिन्न है, एक ही आत्मा है, स्वरूप से आत्मा एक ही है, आत्मा में भेद नहीं है, है फिर भी भेद बुद्धि हो जाती है। कैसे, ततएव अहंकार के कारण है ना, अहंकार के कारण आत्मा में भेद बुद्धि हो जाती है, इसी प्रकार शरीर में भेद के कारण भी आत्मा में भेद बुद्धि हो जाती है। अंतकरण अलग अलग होने से आत्मा अनेक है, स्थूल शरीर इत्यादि अलग अलग होने से भी आत्मा अनेक है, ये भेद बुद्धि हो जाती है। इसलिए दृगे वा सर्वभूतेषु, दृगे का सर्वभूतेषु भाति दृश्यैरनेकवत् जलभाजन भेदेन मयूख सृग विभेदवत्। देखो वो कहते हैं कि सर्वभूतेषु, अनेक शरीर है, भूता मतलब शरीर, भवन्ति इति भूता है, जो उत्पन्न हो उसका नाम होता है भूत, ये शरीर उत्पन्न होता है ना। सर्वभूतेषु एकाद्रिक, सभी शरीर में ये जो द्रिक जो आत्मा वो तो एक ही है, एको देव सर्वभूतेषु गुड़। फिर भी दृश्य ही अनेक कवद भाति, ये दृश्य कौन हो गया है, बोले शरीर आदि, ये शरीर आदि जो दृश्य है वो अनेक होने से उसे प्रतिबिंबित आत्मा अनेक दिखता है। दृष्टांत कैसे,
देखो जल भाजन भेदेना मयूख स्रक विभेदवत। देखो क्या बोलते हैं, मयूख स्रक श्रकबी, मयूख मयूख बोलते हैं रश्मि को, आदित्य का जो प्रकाश है ना वो रश्मि, उसको बोलते हैं मयूख। और श्रक भी बोलते हैं माला को बोलते हैं, तो रश्मि रूपी माला किसकी होती है, आदित्य की होती है, सूर्यमंडल। इसलिए मयूख श्रकवि का अर्थ होता है आदित्य, सूर्य है ना। सूर्य तो एक ही है, उसमें भेद नहीं है सूर्य में, फिर भी जल भाजन भेदना, जल भाजन पात्र, जल पात्र अनेक है तो सूर्य भी अनेक दिखता है वास्तविक, लेकिन अनेक नहीं है, ये सब है। वो जल हिलता है तो प्रतिबिंब हिलता हुआ, प्रतिबिंब भी हिलता है। जल सच्चा है तो सूर्य का प्रतिबिंब सच्चा है, जल मलिन है तो सूर्य भी मलिन दिखता है, लेकिन है नहीं ऐसा। इसी प्रकार से यहाँ पर शरीर को भी ले लो, शरीर अनेक होने से शरीर में प्रतिबिंब भी अनेक दिखता है, ऐसा है। मयूख श्रग्भी, मयूख श्रग्भी का अर्थ कर दिया रश्मि माली। अच्छा आगे है, यहाँ पर जो दृश्य दिया ना, दृश्य ही अनेकवत, दृश्य से यहाँ पर क्या लेंगे, अहंकार अंतकरण है, शरीर है, ये सब दृश्य हो गया। यथोक्तार्थस्य प्रतिपत्ते दृष्टांत, यही जो बात कही गई उपाधि के भेद से उपहित में भेद दिखता है ना, इसी को बोध कराने के लिए, स्पष्टीकरण कराने के लिए दृष्टांत और दिया जा रहा है। देखो मित्रोदासीन शत्रुत्वम जथे कस्यान्य कल्पनात् अभिन्नस्य चितेस्तद्वत् भेदो अंतःकरणाश्रयः। जैसे कोई व्यक्ति एक ही है, जैसे कोई व्यक्ति एक ही है लेकिन अनेक प्रकार का व्यवहार दिखता है। कोई अनुकूल व्यक्ति आ गया तो उनके लिए क्या हो गया, मित्र हो गया, और क्या है ना। देवदत्त एक ही है, उनका सहपाठी आ गया जज्ञदत्त, वो कैसा हो गया उनके लिए, वो मित्र है, वो उनको वो मित्र मित्र दिखता है, वो मित्र हो गया। ऐसा ही है। इसी प्रकार से ना प्रतिकूल आ गया तो कैसा होगा, शत्रु। प्रतिकूल व्यक्ति आ गया तो उनके लिए शत्रु दिखता है, वो शत्रु दिखता है। और बोलते हैं शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, और कैसा है, उदासीन। वो देवदत्त कैसा होता है, उदासीन होता है वहाँ पर। यथा एकस्य अन्य कल्पना, है तो एक ही है, अन्य की दृष्टि से है ना कल्पना हो जाती है, वो अनेक प्रकार के। इसी प्रकार से अभिन्नस्य चिते है तद्वत, है तो चित जो है आत्मा स वो एक ही है, उसमें भेद नहीं है, एक ही चेतन है। तद्वत अंतकरणाश्रय भेद, ये अंतकरण के भेद से आत्मा में भेद हो जाता है। उपाधि के भेद से वास्तविक भेद नहीं होता है, तार्किक लोग भी नहीं मानते हैं। जैसे आकाश एक ही है फिर भी अनेक आकाश नहीं हो जाता है, तार्किक लोग तो मानते ही हैं। इसी प्रकार अंतकरण के भेद से आकाश यदि उपाधि के भेद से यदि अनेक नहीं हो सकता तो आत्मा कैसे होगा, अंतकरण के भेद से आत्मा अनेक नहीं हो सकता है। इसलिए आकाश को दृष्टांत मान करके ये वेदांती लोग कहते कि आत्मा एक ही है, अनेक नहीं है वो। वो कहाँ पर, स्वतः स्वतर में कहीं है। एको देव सर्वभूतेषु गुणः भूते भूते व्यवस्थित एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। ठीक है, शिव वगैरह यहाँ पर कह रहे हैं अंतकरण आश्रय भेद होता है अंतकरण में, इसलिए भेद का आश्रय अंतकरण हो गया, आत्मा क्यों होगा। घट में भेद है और आकाश में भेद कैसे को हो गए। इसी प्रकार सुख दुख इस प्रकार ये तो अंतकरण में है, ये
ये तो नहीं कह सकते सुख दुख आत्मा में है। अरे आत्मा में भाषण ऐसे थोड़ी होगा। इसलिए सुख दुख कोई सुखी है कोई दुखी है, ये कहते ना तार्किक लोग, आत्मा भिन्न है, आत्मा अलग अलग है। क्यों बोलते? विरुद्ध धर्मवत्वात, विरुद्ध धर्म वाला हो गया ना। विरुद्ध धर्म वाला हो गया, इसलिए कोई सुखी है हाँ वो अलग है दुखी वाले से, है ना। सुखी व्यक्ति दुखी वाले से भिन्न है और दुखी व्यक्ति सुखी वाले से भिन्न है, ऐसा है? ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो भेद तो अंतःकरण में, अंतःकरण के भेद से व्यवहार में भेद हो जाता है। इसलिए व्यवहार में भेद होने पर भी आत्मा में भेद सिद्ध नहीं हो सकता, ये वेदांति को कहना। अंतःकरण उपाधि निबंधन भेद, ये टीका में आया। ये आत्मा में जो भेद हो रहा है इसका निबंधन, इसका मूल कारण कौन है? अंतःकरण उपाधि में भेद। इसमें दृष्टांत दे दिया, एज व्यक्ति का दृष्टांत दे दिया। एकस्य अपि अवयव द्वारा व्यवहारांतर योगित्व स्यात्। अरे भाई आत्मा एक होने पर भी उसके अवयव को लेकर के व्यवहार अलग अलग हो जाएगा, व्यवहार अलग अलग हो जाएगा। बोलते कि आत्मा में कोई अवयव ही नहीं है। आत्मा में कोई अवयव नहीं ना है। ऐसा है जैसे आकाश में कोई अवयव नहीं है, आत्मा में कोई अवयव नहीं है। अवयवी एव मित्रादि रूपेण कल्पते न तद अवयवा इत्यर्थ। जो अवयवी जो देवदत्त है वही कभी मित्र के रूप से दिखता है तो कभी उदासीन रूप से दिखता है तो कभी शत्रु के रूप से दिखता है। ये अवयव को लेकर के बदल जाएगा ऐसा नहीं है ना। नायम अर्थ विवक्षया धातुरेव निर्देशो अभिन्नस्य चित्ते रीति। ये जो अभिन्नस्य चित्ते है का, क्योंकि चिति शब्द है ना, चिति भाई, चिति शब्द तो स्त्रीलिंग में होता है। चिति शब्द स्त्रीलिंग में होता है तो पुल्लिंग कैसे हो गया यहाँ पर? अभिन्नस्य चित्ते है, हैं बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है ये बताओ। देखो बोलते कि नायम धातुरेव निर्देशो, धातु इक तिपो धातु निर्देशे, चिति शब्द है ना, धातु का निर्देश कर देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसलिए धातु के लेकर के यहाँ पर लिंग नहीं हुआ पुलिंग, क्योंकि अर्थ को चिति शब्द का अर्थ चेतन होता है, आत्मा होता है, आत्मा पुलिंग है वो, है ना। इसलिए यहाँ पर पुलिंग शब्द का प्रयोग किया, ऐसे समझ कर रखो, नहीं तो होना चाहिए था स्त्रीलिंग होना चाहिए, अभिन्नस्य न करके अभिन्नया ऐसा होना चाहिए था। ठीक, अच्छा भाई अगला श्लोक देखो 49 में। अंतःकरण उपाधिगतस्य आत्मनः तत्क्रियायाः तत्आकृतिश्च स्वच्छत्त परिच्छिन्नत्वादेः तद्देशस्य च हृदय प्रदेशादेः, है ना। संबंध अध्यासम दृष्टांतरेण दृष्टांतांतरेण इत्याह अपहार इति। देखो अंतकरण उपाधि हो गई, उसमें आत्मा का प्रतिफलन हो रहा है, और अंतकरण में क्या हो रही क्रिया हो रही है, हैं किसी अंतकरण में सुख हो रहा है किसी अंतकरण में दुख हो रहा है, अर्थात आकृतिश्च आकार भी अलग अलग हो जाता है, कोई करता है तो कोई भोगता है, वो है कि नहीं। स्वच्छत्व परिच्छिन्नत्वादे है, है ना। जल जैसे कोई जल स्वच्छ होता है हाँ, और कोई जल मलिन होता है कि नहीं। इसी प्रकार किसी का अंतकरण स्वच्छ होता है तो किसी का अंतकरण मलिन होता है, और जैसे जल परिच्छिन्न है तो प्रतिबिंब भी परिच्छिन्न दिखता है। इसी प्रकार अंतकरण परिच्छिन्न है तो मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ, हरिद्वार में हो, ऐसा कोई माने? तदेशाच हृदय प्रदेशादे, और अंतकरण का स्थान क्या होता है? हृदय प्रदेश होता है, हृदय देश होता है। इसलिए संबंध अध्यासम, लेकिन संबंध का अध्यास हो जाता है। ऐसा है,
देखो अंतकरण का संबंध हुआ स्थूल शरीर के साथ, तो मेरा संबंध हो गया, ऐसा मानता है ना। केवल इतना नहीं, ये संबंध तो लंबा चौड़ा होता रहता है ना। आत्मा का संबंध अंतकरण में हो गया, अंतकरण का संबंध स्थूल शरीर के साथ हो गया, स्थूल शरीर का संबंध फिर पुत्र आदि में हो जाता है। एक कि नहीं, पुत्र रो रहा है तो मैं रो रहा, मैं दुखी हूँ, पुत्र सुखी है तो मैं सुखी हूँ, ऐसी मानता वो। ठीक, ये बात कह रहे हैं। देखो, अपहारो यथा भान हो सर्वतो जल पात्र कई ही तत्क्रिया कृति दे साप्तिस तथा बुद्धि विरात्मनः। देखो, अपहार बोल दिया, अपहार स्वातंत्रा आपादनम है, यहाँ पर दिया है, टिप्पणी में दिया है, अपहार ऐसा होना चाहिए। अपहार कर्तृतया विवक्षितम, यहाँ पर अपहार शब्द कर्ता हो गया। देखो, अपहार का मतलब ये होता है प्रतिबिंब रूप से ग्रहण करना, बस प्रतिबिंबित प्रतिबिंब रूप से ग्रहण करना है ना। हाँ, जैसे देखो, अपहारो यथा भान हो सर्वतो जल पात्र की, जैसे जल में जो जल पात्र जो होता है सूर्य के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है कि नहीं, सूर्य के प्रतिबिंबों को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है वो, और क्या। इसलिए वो स्वतंत्र कौन नहीं होता है, स्वतंत्र वो पिचिदावास नहीं होता है, स्वतंत्र जल स्वतंत्र हो जाता है, बराबर ना। जल जाएगा तो प्रतिबिंब जाता हुआ दिखता है, जल स्थिर है तो प्रतिबिंब स्थिर दिखता है, और क्या। जैसे मन चंचल है तो मैं चंचल हूँ बोलता है कि नहीं, और मन स्थिर हो गया, हाँ अब मैं स्थिर हो गया, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उपाधि का धर्म प्रतिबिंब में होता है, लेकिन बिंब में नहीं होता है, इसलिए उपादेश तो प्रतिबिंब पक्षपातित्व, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तत्क्रिया आकृति देशाप्ति है ना, जल में क्रिया हुई तो प्रतिबिंब में क्रिया दिखती है, जल हिलता है तो प्रतिबिंब हिलता है, लेकिन जल बड़ा है आकृति, जल की आकृति जैसी होती है वो सूर्य का भी आकार ऐसे ही होता है। जल कहीं एक जगह से दूसरी जगह में गया तो प्रतिबिंब भी दिखता है। इसी प्रकार तथा आत्मना बुद्धि भी, इसी प्रकार आत्मा का बुद्धि आदि के साथ होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय